मतलब बरसों बाद नहीं, सब दिन तो बाबा दिल में हैं। दो साल नहीं आ पाए, संसार ही थम गया था, बाबा फिर संसार को खोल दिए। उम्र के इस पड़ाव पर भी डाकब, ये तो बाबा जाने, मुझे उम्र का पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव फुटेज। सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर माता बम के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा बम पहुँची है। गंगा स्नान करने के बाद वो जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर माता बम ने गंगा स्नान किया और अब वो 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा डाक बम के रूप में तय करेंगी, और जिसको लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर उनको सुरक्षा मुहैया कराने में जुटी हुई है। देर रात सुल्तानगंज पहुँची थी माता बम कृष्णा बम। हम सीधे बात करेंगे, माता बम बरसों बाद नहीं, सब दिन तो बाबा दिल में हैं। दो साल नहीं आ पाए, संसार ही थम गया था, बाबा फिर संसार को खोल दिए। दुनिया थम गई थी, मैं भी थम गई थी, बाबा भी थम गए थे, अब बाबा सबको फिर दरवाजा खोल दिए, सभी जा रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी डाक बम, ये तो बाबा जाने, मुझे उम्र का पता नहीं है। तो माता बम ये शक्ति जो आपको मिलती है कहाँ से प्राप्त होती है? ये बाबा ही देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो सुल्तानगंज का यह पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट है, नमामि गंगा तट जो नया सीढ़ी घाट बनाया गया है, वहाँ पर खुद जो सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में जो BDO हैं, जो CEO हैं और जो पुलिस बल के जवान हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचकर माता बम जो कृष्णा बम जिनको कहा जाता है, जिनके लिए जो पूरा कच्ची कवड़िया पथ है, जिनके इंतजार में लाखों लोग कच्ची कवड़िया पथ पर मौजूद रहते हैं कि कब माता बम का एक झलक मिल पाएगा, क्योंकि लगातार 40 वर्षों से वो लगातार डाक बम जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार माता बम रविवार की जगह सोमवार को डाक बम के रूप में जल उठा रही है और 105 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर मंगलवार को बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटी सुल्तानगंज।